मई को सुनवाई होगी। हरियाणा में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 162 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 घंटों में कोरोना के 13,867 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 13,584 लोग ठीक भी हुए हैं। अब हरियाणा में 1,15,963 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो वहीं सबसे ज्यादा कोरोना के मामले गुरुग्राम में सामने आए, जहां एक दिन में 3,588 मरीज मिले हैं, जबकि हिसार में एक दिन में सबसे ज्यादा 22 लोगों की मौत हुई। अमेरिका के मायमी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मास्क पहनने ना पहनने को लेकर भयंकर मारपीट हो गई, जिसकी शुरुआत दो महिलाओं के बीच कहासुनी से हुई, लेकिन देखते ही देखते मामले ने गंभीर मोड़ ले लिया और इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसमें एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का आलम नजर आया और इस बीच एक आदमी ने एक महिला को गर्दन से पकड़कर फर्श पर गिरा दिया। महिला बार बार उठने की कोशिश करती रही और पीली स्वेटशर्ट पहना आदमी उसको जबरदस्ती जमीन की तरफ ढकेलता रहा। तभी एक और महिला दोनों के बीच कूद पड़ी और उस शख्स के साथ मिलकर फर्श पर गिरी महिला को पीटने लगी। इस दौरान लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हाथापाई करने वालों ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, जिसके बाद बालों को अजीबोगरीब अंदाज में बांधे हुए महिला को कुछ लोग घसीटते हुए वहां से अलग ले जाते दिखे। लेकिन बदतमीजी पर उतारू ये महिला आगे जाकर फर्श पर ही बैठ गई, जिसके बाद एक दूसरी लड़की ने उसका कॉलर पकड़कर उसे जमीन से उठाया और कॉलर पकड़े हुए उसे दूर तक ढकेलती रही। बताया गया कि एयरपोर्ट पर मास्क न पहनने पर टोके जाने के बाद शिकागो की इस महिला ने बात का बतंगड़ बना दिया, हालांकि उसे बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए आयुष मंत्रालय ने नई पहल शुरू की। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि मंत्रालय दूसरी लहर से निपटने के लिए आयुष 64 नाम की दवा देश भर में बांटेगा, ताकि ऐसे मरीजों की मदद हो सके जो या तो अस्पताल में भर्ती नहीं है या वो होम आइसोलेशन में है। इस काम में आयुष मंत्रालय की मदद आरएसएस से जुड़ा सेवा भारती संगठन करेगा। दावा है कि कुछ मरीज पर इन दवाओं का ट्रायल किया गया, जिनमें इसका अच्छा असर देखा गया, जिसके बाद बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले मरीजों को ये दवा देने का फैसला लिया गया है। बिहार के गोपालगंज से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक कोरोना अस्पताल में मरीज की मौत के बाद उसके शव को घसीटकर डॉक्टर के चेंबर में रख दिया गया। इस घटना की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में एक कर्मचारी प्लास्टिक में लिपटे शव को घसीटता हुआ नजर आया। इससे पहले उसने शव को एक कमरे से बाहर निकाला, उसके बाद वो एक कमरे के दरवाजे को जोर से खोलते हुए शव को डॉक्टर के चेंबर में छोड़ गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। जो लोग उस चेंबर में थे किसी तरह लाश से बचकर बाहर आ गए। शव की वजह से करीब 12 घंटे अस्पताल का कामकाज ठप रहा। बताया गया कि इलाज के दौरान कोरोना मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजन को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन वक्त पर कोई भी उसे लेने नहीं पहुंचा। कोरोना से जूझ रहे मरीजों की सलामती के लिए कई जगहों पर पूजा